स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया शिकारीपुर यूनिट की जानिब से यौम उर्दू का अहतमाम पुरकशिश अंदाज में किया गया। इस तकरीब में अल्लामा इकबाल का पैगाम नौजवानों के नाम उनवान पर खिताब करने के लिए माहिर इकबालियात पर रोशनी डालने के लिए नौजवान साइंसदान इंजीनियर सैयद मुमताज़ मंसूरी ने शिरकत की। मुमताज़ मंसूरी ने कहा कि कलाम इकबाल में कलाम इलाही का पैगाम मिलता है और इनका पैगाम हमेशा जिंदा जावेद रहेगा। कदम्बा कॉलेज के उर्दू लेक्चरर्स अहमद ख़ान आफरीदी ने अपने खिताब में कहा कि उर्दू ज़बान गंगा जमुना तहजीब की रिवायत है, लेकिन आज वो सिर्फ मुसलमानों की ज़बान बनकर तअस्सुब का शिकार हो चुकी है। इस मौके पर रोज़नामा आज का इंकलाब के एडिटर मुदस्सिर अहमद ने सहाफ़ती खिदमात पर एज़ाज़ कबूल करने के बाद कहा कि किसी भी मादरी ज़बान को रोज़गार से जोड़ना बेवकूफ़ी है। मादरी ज़बान इंसान के किरदार साजी और पहचान को से जोड़ती है। जो लोग ये शिकवा करते हैं कि उर्दू पढ़ने से नौकरी नहीं मिलती, उन्हें यह भी देखना चाहिए कि कन्नड़, तमिल, तेलुगु, अंग्रेज़ी पढ़ने से क्या रोज़गार मिल रहे हैं। रोज़गार के लिए सलाहियत और हिकमत की ज़रूरत है, ना कि मादरी ज़बान उर्दू की या फिर किसी और ज़बान की। इस मौके पर मोहम्मद सिद्दीक ने तराना इकबाल पेश किया। मोहम्मद आसिफ ने इफ्तिताही कलिमात पेश किए, जबकि अब्दुल रहमान की खिरात से जलसे का आगाज़ हुआ। नौजवानों और ख़वातीन की बड़ी तादाद इस जलसे में शरीक थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, शिमोगा। वो क्या कर दूँ था तू जिसका एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आबोश मोहब्बत ने कुचल डाला था जिसने पाला।